नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल, आप सभी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कोप टारगेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमने चैप्टर 3 में पढ़ चुका है ऑलरेडी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका होता है कि इसमें आपका एक वेरिएबल होती है, जैक लेट सपोज एक्स एक वेरिएबल है। यानी कि हमने एक प्रीवियस जो लेक्चर हमने देखे हैं उसमें हमने पढ़ा है जैसे कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इस टाइप का हमने इक्वेशन देखा हुआ है पहले, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन एन टू वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नोटिस यहाँ पे मेंशन है कि हम टू वेरिएबल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वेरिएबल। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, यानी कि टू वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे टू वेरिएबल है, यानी कि एक्स और वाई हो सकता है। मे बी आप पी क्यू ले सकते हैं, एम एल ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग एक्स वाई लेते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे कि हमने लेट सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो आपको दो चीज़ को डिनोट करना है लेकिन आपको दोनों चीज़ मालूम नहीं है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि एक पेन लाए, और एक जैसे कि आप बाज़ार गए और आपने पेन और पेंसिल, ठीक, पेंसिल दोनों 10 रुपये ख़रीदा, ठीक, पेन और पेंसिल दोनों 10 रुपये खरीदा। यानी कि आपने आपको नहीं पता कि पेन या तो 5 रुपये खरीदा या तो 10 रुपये खरीदा, 5 रुपये खरीदा या 6 रुपये खरीदा या 8 रुपये खरीदा, आपने पेन और पेंसिल दोनों मिला के 10 रुपये खरीदा, ठीक है। तो जैसे कि पेन को हम डिनोट कर सकते हैं एक्स से, लेट इसमें हम लिख देंगे लेट पेन बी एक्स एंड पेंसिल बी वाई, ओके। सो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, लिख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि हमको इसमें दो चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी, एक तो पहले निकालेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि इसमें दो चीज़ की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो आइए एक एक्सरसाइज 4.1 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ जनरल बातें हो गई, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है इन टू वेरिएबल में, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 है, इसको हमको टू वेरिएबल में लिखना है, राइट इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो राइट इन टू वेरिएबल हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इसमें तो एक्स केवल है, वाई तो दिख ही नहीं रहा, हाँ कि नहीं, एक्स केवल हमको एक्स दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा। तो यानी कि एक्स प्लस वाई अगर कर दे, यानी कि तो माइनस 5 ये कर दे तो सही हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको वाई चाहिए यार, लेकिन यहाँ पे वाई तो है नहीं, यानी कि एक्स प्लस 0y हम कर सकते हैं, 0 का मल्टीप्लाई हम 0 में किसी करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई, क्या इसमें और इसमें कोई चेंज है, नो चेंज, ये हमारा वन वेरिएबल में है, ये हमारा टू वेरिएबल में है। इसी तरह देख लेते हैं y इज इक्वल टू 2 के बारे में, y इज इक्वल टू 2 के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई x कर देंगे और y इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, ठीक है, नो चेंज। ये भी दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस टाइप, ओके। एंड अगर दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो हम 2x इज इक्वल टू 3 देख सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 3 अगर हम देखेंगे तो जैसे अब इसको हमको 2 वेरिएबल में बदलना है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, 2x लिखें, ठीक, और 0y कर देंगे, ठीक है, और 3 कर दिए, कोई चेंज दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसान ये सब आसान सवाल है। अब एक सवाल और देख लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 2 का, ठीक है,
5y इज इक्वल टू 2, एक ये हमारे पास है। तो 5y इज इक्वल टू 2, जाहिर सी बात है अगर हमको एक वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसको सिंपल से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आ जाएगा आंसर हमारा, यानी कि x नहीं दिया है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई x कर देंगे प्लस y कर देंगे 5y तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0 इंटू x करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि वापस भी हम इसमें आ जाएंगे। लेकिन ये इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये एक वन वेरिएबल का इक्वेशन है और ये एक टू वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज नंबर 4.1 देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने ये लिख लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ, इसमें एक पहला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ, देखिए राइटिंग समझिए, हमारे राइटिंग तो हमारा मान लीजिए गड़बड़ है, ठीक है, तो भावनाओं समझिए हमारी, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। हमको एक इक्वेशन लिखना है और जो कि इसके स्टेटमेंट को सही करे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन, ठीक है। इसमें पहले हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स, ठीक है, जैसे हम इसमें किए थे लेट द पेन बी एक्स, ठीक है, तो इसमें भी कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, लेट द आपको द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक जो है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, यानी कि यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक, ये हमारा नोटबुक की कॉस्ट है, वो इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, यानी कि जो पेन का दाम है उसका 2 गुना है, यानी कि हमारा जाएगा 2y, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वेश्चन बन गई, एक्स इज इक्वल टू 2y और ये हमारा आंसर भी हो गया, ठीक है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिया था, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंड इसमें आपको वैल्यू लिखनी है ए और ए बी और सी की हर एक केस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पे बार है, ठीक है, तो ये बार से घबराइएगा मत, जो बार बार है उसको बार कहते हैं। तो ये देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, तो पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ये जो इक्वेशन दी हुई है उस चीज़ से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसी के जस्ट नीचे हम लोग लिख देंगे ए एक्स प्लस बी वाई, और जिसे इसको हम पहले इधर ला लेते हैं, ठीक है, पहले हम इधर ला लेते हैं, तो आप इसको मान लीजिए सी को मान लीजिए उधर भेज देंगे तो माइनस सी हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे इससे, तो एक को हमको 2 दिख रहा है तो ए इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 दिख रहा है तो बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और सी इज इक्वल टू माइनस का 9.35 बार हो जाएगा। अब कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y अगर आप इसको माइनस, जैसे कि 9.35 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का 9.35 बार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसी को हम एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू माइनस न का 9.35 आ जाएगा, ठीक है, 0 तो 0 है ही, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर पहले का, और दूसरे का आंसर देख लेते हैं, दूसरे का आंसर क्या है, दूसरा बोला है x माइनस वाई अपॉन फाइव
माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको फिर से डायरेक्टली कंपेयर कर दीजिए ए एक्स। अब तो इसको आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन बनाया है, तो इसको आप कंपेयर कर लीजिए डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ए का हम ए देखेंगे तो यहाँ ए की जगह 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे 1 आ गई। बी की जगह देखिए, बी हम कैसे इसको, ये हमारा इक्वेशन कैसे आएगा, जैसे कि अगर माइनस 1/5 है, माइनस 1/5 का मल्टीप्लाई हम वाई में करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा माइनस वाई 1/5। ठीक है, और उसी तरह बी वाई दिया हुआ है, तो यानी कि बी का हम कंपेयर कर लेंगे इससे, यानी कि हमारे पास आ गया बी की वैल्यू आ गई जैसे कि माइनस वन अपॉइंट फाइव। ठीक है, अब सी की वैल्यू माइनस 10 आ गई, सी की वैल्यू माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रही है कि माइनस टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले तो हमको क्या करना है, पहले हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हमको इसको कन्वर्ट करना है, यानी कि माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर देंगे किसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम कंपेयर कर देंगे इसको, तो हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का दो, बी की वैल्यू हो जाएगी 3, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, बाकी सब मजा वहाँ। ठीक, तीसरे का हो गया, चौथे का देख लेते हैं। चौथे को हम क्या कहेंगे, जैसे कि चौथा है हमारा क्या है, x इज इक्वल टू थ्री वाई। ठीक है, अब देखिए इसमें अब मज़ा आएगा, अब आप कन्वर्ट कीजिए उसके बाद मैं करता हूँ। ठीक है, तो एक्स को हम उधर भेजेंगे, मतलब कि वाई को उधर भेजेंगे, 3y हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस 3 हो गई, सी की वैल्यू 0 हो गई। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, 2x इज इक्वल टू 5y। सिमिलरली इसे इसी तरह हम इसको कर देंगे, सिमिलरली इसको हम कर देंगे, यानी कि 2x माइनस 5y प्लस 0 और उसको का इज इक्वल टू 0 हो गया। हम इसको कंपेयर कर देंगे किससे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो कंपेयर कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई 2, कैसे 2 मिल गई, इस तरह 2 मिल गई। बी की वैल्यू कैसे, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, कैसे मिल गई, माइनस 5, इस तरह मिल गई। सी की वैल्यू कैसे मिल गई, 0, सी की वैल्यू 0, इस तरह मिल गई, सॉरी ये प्लस नहीं है। तो ये रहा हमारा आंसर, किसका आंसर, पांचवें का। छठवें का आंसर देख लेते हैं भाई, लेवड़ा पानी पूरी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x, आप देखिए वाई के टर्म इसमें मिसिंग है तो हम 0 वाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 3x 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि हमको ए की वैल्यू मिल गई 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। ठीक है, कैसे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 2। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। और क्या बोलता है, सत्तवा देखिए, सत्तवा क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, इसी तरह होगा, जैसे कि y इज इक्वल टू माइनस टू दिया है, y इज इक्वल टू माइनस टू 0, तो x के टर्म इसमें नहीं है, तो यानी कि 0 लगा के x लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, माइनस 2 0 कर देंगे। अब इसको कंपेयर कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो हो गया हमारा, ए की वैल्यू निकल गई, ए की वैल्यू 0 निकल गई, बी की वैल्यू 1 निकल गई और सी की वैल्यू माइनस 2 निकल गई। निकल गया तो निकल दे दो, भेज दो गाड़ी से। अब आठवां देखते हैं। ठीक है, आठवां क्या बोल रहा है, 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 2x
अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यानी कि 2x लिख दिया हमने, 2x को 5 को उधर बुला लिया, ठीक है, तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसमें किस चीज़ की कमी लग रही, इसमें हमको y g की कमी लग रही है, तो y को बुला लेंगे 2x माइनस 5, अरे सॉरी प्लस 0 y माइनस 5, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा है तो कंपेयर कर लो। कंपेयर किस से करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे इसको। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करने पर हमको मिलेगा क्या, ए इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पूरा आंसर मिल जाएगा, आंसर मिलने के बाद सेवा समाप्त, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है।